हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज हम कंटिन्यू करेंगे आर्ट एंड कल्चर के हमारे क्वेश्चंस के सेट। और ये जो आज का सेट है ये सेट नंबर 5 है, यानी आज का हमारा लास्ट सेट है। इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन में देखना है कि माइसोर पेंटिंग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो पेंटिंग्स हैं इनको माइसोर रूलर्स जो थे उन्होंने पेट्रोनाइज किया था, बट इट कंटिन्यूड इन द ब्रिटिश पीरियड टू। इसके मेजर थीम्स जो होते थे वो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस डिपिक्ट किए जाते थे। यूनिक पार्ट इसका ये है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा फिगर्स होती थी, लेकिन एक फिगर जो होती थी वो ज़्यादा प्रिडोमिनेंट करती थी एंड अदर कैरेक्टर्स से ज़्यादा साइज में बड़ी होती थी एंड ज़्यादा उसमें ब्राइट कलर्स यूज़ होते थे। इसमें गैसो पेस्ट, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये, इसमें गैसो पेस्ट का यूज़ किया जाता था। गैसो पेस्ट होता है जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम से इसका एक मिक्सचर बनाया जाता था और उसका यूज़ इस पेंटिंग में किया जाता। तो इसमें चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। लिपक्षी पेंटिंग्स के बारे में देखने कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये म्यूरल पेंटिंग्स है। इसको वीरभद्र टेम्पल के जो वॉल्स है लिपक्षी में, वहाँ पे इसको बनाया गया है, जो कि 6th सेंचुरी में ये टेम्पल बनाया गया था। इसको विजयनगर पीरियड के टाइम में आप देखें तब बनाया गया था एंड दे फॉलो रिलीजियस थीम। इसमें जो थीम्स होते हैं वो बिल्कुल रिलीजियस बेस्ड होते हैं, स्पेशली रामायण महाभारत एंड विष्णु के जो इनकारनेशंस डिफरेंट डिफरेंट रूप थे उस पे बेस्ड है। पेंटिंग्स में अगर आप देखें तो इसमें प्राइमरी कलर्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, स्पेशली ब्लू का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। इस टाइम अगर आप क्वालिटी की बात करें तो जो पेंटिंग थे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट देखना है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। थोलू बोम्मलता के बारे में देखने कौन से स्टेटमेंट पे इनकरेक्ट है। ये एक टाइप का शेडो पपेट थिएटर है मणिपुर में, जिसका लिटरली अगर मीनिंग देखे तो इसका मतलब होता है डांस ऑफ लेदर पपेट्स। थोलू मतलब होता है लेदर, बोम्मलता मतलब होता है पपेट डांस। इसमें जो पपेट होते हैं वो मोस्टली एंटीलोप या स्पॉटेड डियर या गोट के स्किन से बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे ऑस्पिशियस कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एंटीलोप के स्किन और डियर स्किन से बनाए जाते हैं। इनको दोनों साइड में कलर किया जाता है ताकि जब उनकी शेडो पड़े स्क्रीन में तो वो कलरफुल शेडो हो। पपेटियस जो होते हैं वो स्टोरी को नरेट करते हैं। इसमें इनका जो थीम होता है वो रामायण या महाभारत बेस्ड होता है और इसमें जो आर्म्स एंड हैंड्स होते हैं एनिमेटेड होते हैं, उनका मूवमेंट किया जाता है एंड गिविंग 3D इफेक्ट। तो यहाँ पे देखना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे आंसर ए है, क्योंकि ये ट्रेडिशन मणिपुर का नहीं, ये आंध्र प्रदेश का थिएटर है। एंड अगर अब आजकल बात करें तो ये जो थिएटर डांस है ये काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन डिक्लाइन होता जा रहा है। कथक के बारे में देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कथक जो है ये ट्रेडिशनल डांस है उत्तर प्रदेश का एंड ये रासलीला जो होती थी कृष्ण भगवान की, वहाँ से इसका ओरिजिन शुरू है। एंड इसका जो नाम है वो काथिका से निकला हुआ है। काथिका का मतलब होता है स्टोरी टेलर, ठीक है, जो स्टोरी बताता है। डांस फॉर्म इसका मोस्टली इसमें इंट्रिकेट फुटवर्क्स होता है। मोस्टली जो इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो फुटवर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एंड इट इज़ जनरली अकम्पनीड विद द म्यूजिक ध्रुपद। ये ही एक बस इंडियन क्लासिकल डांस है जिसमें हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशनल दोनों ही बेस्ड है, क्योंकि कथक जो है ये अगर आप पहले टाइम में देखें तो मुगल के दरबार में कथक बहुत ज़्यादा हद तक होता था, इसीलिए इसमें मुस्लिम्स का मुगल का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस है। कथक इज़ ऑल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट घरानास, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट घरानास है, जैसे लखनऊ है, जयपुर, रायगढ़, बनारस एंड ये एक बस यही एक क्लासिकल डांस है जो कि हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक पे डिपेंडेंट है। बाकी जितने अदर क्लासिकल डांसेस है वो सारे कार्नेटिक म्यूजिक फॉलो करते हैं। इसके पांच फेमस इसमें फेमस इनके प्रोपोनेंट्स जो है वो है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो है वो दिए हुए। आंसर है सी, ऑल आर करेक्ट। सांगराई डांस के बारे में देखने कौन से स्टेटमेंट पे इनकरेक्ट है। ये त्रिपुरा का ट्रेडिशनल डांस है।
मोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो उसको परफॉर्म करती हैं। संग्राई फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में, उस टाइम में इसको इस डांस को किया जाता है। जो मोग है वो अराकनीज के डिसेंडेंट्स हैं एंड जैनिज्म फॉलो करते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए जो मोग है वो जैनिज्म नहीं, वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, इसलिए आंसर है टू ओनली। हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में देखने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो रूट है वो वैदिक ट्रेडिशन से आया हुआ है, जहाँ पे जो सामवेद है उनके जो एक सामवेद जो एक म्यूजिक रिलेटेड बुक है, एक सेक्रेट बुक है, उसमें जो मंत्रास थे उनको चांट करने की बजाय उनको गाया गया था। वेरेस अगर आप कर्नाटिक म्यूजिक की बात करें तो वो भक्ति मूवमेंट के टाइम में डेवलप हुआ है। हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो फीचर्स है वो तर्को पर्शियन के म्यूज़िक उसमें एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप कर्नाटिक म्यूज़िक में देखें तो उसमें कोई भी बाहर का किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं, वो टोटली इंडिजीनियस है। घरानास अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में डिफरेंट डिफरेंट घरानास आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कर्नाटिक म्यूज़िक को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे में ही गाया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी टाइप के घरानास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट भी हुई है। तो इसमें करेक्ट दिए हुए आंसर है 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखिए, ये ना एक्चुअली ये देखना था कि यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना था, क्योंकि अगर इनकरेक्ट होगा तो यहाँ पे नन हो जाएगा, नन हमारा नहीं है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, और तीनों ही स्टेटमेंट टाइप पे एक्चुअली करेक्ट दिए हुए आंसर है 1, 2 एंड 3। यहाँ पे देखने कौन से इनकरेक्टली मार्च डे ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स दिए हुए हैं और इनका ओरिजिन कहाँ से प्लेसेस दिए हैं। भन पत्थर कश्मीर, जत्रा बंगाल, भावना असम एंड थेरुकुतु, ये एक फोक ड्रामा है केरला का। तो इसमें ऊपर के जो तीनों ही है देखना है कि वो तीनों 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्टली मार्च्ड है, 4th इनकरेक्टली मार्च्ड है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर है हमारा सी, 4 ओनली, क्योंकि जो थेरुकुतु है ये डांस फॉर्म केरला का नहीं, ये तमिलनाडु का, इसलिए आंसर है सी, 4 ओनली। बामियान केव्स के बारे में देखने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बामियान बुद्धा के स्टैचूज अफगानिस्तान में, इनको रॉक्स से काफ किया गया था, एंड रॉक्स जो कि बामियान वैली को फेस करते हैं इन 6th से 7th सेंचुरी BC। इनके डिस्ट्रक्शन हुआ था 2001 में बाय टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अगर उससे पहले हम बात करें तो उससे पहले जो बामियान केव्स थे उनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बुद्धा स्कल्पचर्स माना जाता था। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, आंसर है बी सी, बोथ आर करेक्ट। रियांग ट्राइब के बारे में देखने पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। मिजोरम के ये सबसे बड़े ट्राइब्स हैं और ये अपने आप को कंपेयर करते हैं जैसे ब्रू की, ये माना जाता है कि ये ब्रू कम्युनिटी के हैं, ये काओ ब्रू लैंग्वेज में बात करते हैं, जो कि सिमिलर है, जिसका ओरिजिन अगर आप देखें तो तिब्बत तो बर्मिस से उसका ओरिजिन है, बट इनकी कोई खुद की स्क्रिप्ट नहीं है। इनका एक फेमस फोक डांस है होजा गिरी, जिसमें जो विमेन होती हैं वो डांस करती हैं, वो अपने सर पे अर्दन पिचर्स रखती हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कोई भी अदर प्रॉप्स हैं उसमें ये बैलेंस करती हैं। तो इसमें टोटली डांस फॉर्म में अपने वो बैलेंस शो करती हैं। तो जो परफॉर्मेंस है ये हार्वेस्टिंग के टाइम में वो लोग करते हैं। तो इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो इसमें 2 एंड 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इस आंसर है सी, 2 एंड 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट पे जो वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि जो रियान ट्राइब्स है ये मिजोरम की नहीं है, त्रिपुरा की ट्राइब्स हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रू। अभी हाल ही में अगर आप देखें जुलाई अगस्त के आसपास ब्रू कम्युनिटी जो थी वो न्यूज़ में थी, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हो सकता है कोई क्वेश्चन आके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बन सकता है। जैनिज्म के बारे में देखने पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। माना जाता है कि जो जैनिज्म है उसको उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा इंसान जो वर्ल्डली डिज़ायर को कंकर कर ले इन ऑर्डर टू अटेन एनलाइटनमेंट एंड अपने सोल को प्योरीफाई कर दे, उसको हम बोलते हैं जैनिज्म। ये नॉन थीसिस्ट बिलीफ है, ठीक है, नॉन थीसिस्ट है लाइक बुद्धिज्म, क्योंकि ये भगवान के सुप्रीम पावर बिलीव नहीं करता है एंड इसने कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट किया था।
जैन लिटरेचर को जैन आगमास बोला जाता है। टोटल 45 टेक्स्ट है महावीरा की टीचिंग्स पे बेस्ड, जिनको 6th सेंचुरी AD में कंपाइल किया गया था वल्लभी गुजरात में। एंशंट, ये जो एंशंट रिलीजन है इसमें 24 तीर्थंकर थे या टीचर्स थे। फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ, और 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। लास्ट तीर्थंकर जो थे वो थे वर्धमान महावीर, जिनका जन्म कुंडन ग्राम में हुआ था नियर वैशाली अराउंड 540 BC। अब यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है कि ये बुद्धिज्म के जैसे नॉन थीसिस तो था, क्योंकि इट डिड नॉट बिलीव इन द सुप्रीम पावर ऑफ गॉड, बट यहाँ पे जो बोला गया इट रिजेक्टेड द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम। तो उसने कास्ट सिस्टम को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया था, इसलिए आंसर है यहाँ पे बी। एंड एक और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ पॉइंट, कि यहाँ पे बोला गया कि बुद्धिज्म के जैसे इसने भगवान के सुप्रीम पावर पे बिलीव नहीं किया, बट इट ऑल्सो डिड नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बट उन्होंने बोला था कि भगवान है, बट जो सुप्रीम पावर है वो है जिना, तो जो जीव है उसके बाद ही गॉड आते हैं, तो सुप्रीम पावर इज नॉट गॉड। तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने गलत बोला था, और उस कास्ट सिस्टम को उन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया था, इसलिए आंसर है बी। ठाकुरानी जत्रा के बारे में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जात्रा फेस्टिवल जो है ये बहरामपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, बहरामपुर जिसको सिल्क सिटी बोला जाता है उड़ीसा में। ये बायनियल फेस्टिवल है और उसको घाट यात्रा भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल में माँ बुद्धि ठाकुरानी जो है उनकी वर्शिप होती है, जिनको बहरामपुर का प्रोटेक्टर कहा जाता है। पहले के टाइम में अगर आप देखें जो डेरा कम्युनिटीज़ थे, ये वीवर कम्युनिटी थे, वो इन गॉडेस की पूजा करते थे। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट दिए हुए, आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। वारी वर्कारी के बारे में देखने हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। वारी वर्कारी जो है ये पिलग्रिमेज है, वारी मतलब पिलग्रिमेज होता है। इसमें जो लोग होते हैं वो विठोबा टेम्पल को जाते हैं, पदयात्रा करते हैं नंगे पैर। और ये जो विठोबा टेम्पल है ये पंढरपुर में, 16 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। और ये जो ट्रेडिशन है वारी वर्कारी, ये 700 साल पुराना ट्रेडिशन है। विठोबा जो है वो कृष्ण भगवान के फॉर्म है, उन्होंने विष्णु का इनकारनेशन लिया था, अवतार लिया था, इसलिए जो वर्कारी है वो एक टाइप से अगर आप बात करें तो वैष्णविज्म का ही एक ब्रांच है। वर्कारी जो होते हैं, वारी तो पिलग्रिमेज होता है, लेकिन वर्कारी होते हैं वो पादुकाज होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्स का मोस्टली ध्यानेश्वर या तुकाराम के पादुकाज को लेके जाते हैं, पादुकाज मतलब फुटप्रिंट्स को। इट इज़ मेनली ज्योग्राफिकली रिलेटेड टू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से रिलेटेड है। इसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो पदयात्रा करते हैं, जिनको वर्कारी बोलते हैं, यानी कि पिलग्रिम्स। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ना कि करेक्ट। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमें देखने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके सब पार्ट्स नहीं है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो यहाँ पे ए बी एंड सी जो है ये करेक्ट है, इसमें डी स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है एंड दूसरा मध्य प्रदेश नहीं, ये जो सदर्न कर्नाटका है उस एरिया से रिलेटेड है। तो ये कहाँ कहाँ पे किया जाता है, महाराष्ट्र एंड सदर्न कर्नाटका, ना कि मध्य प्रदेश। इसीलिए इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है आंसर डी। आई एम सॉरी अगर इसमें थोड़ा बहुत जो मिस्टेक्स हो रहा है, जैसे इनकरेक्ट है तो वहाँ पे हमने ऑप्शन में करेक्ट का पूछा हुआ है, तो एक आध ऐसे मिस्टेक्स है जो कि यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूंगी जहाँ पे भी हमें देखना है। या आपको कभी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें देख रहे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एलिफेंटा केव्स है एलिफेंटा आइलैंड्स में, महाराष्ट्र में। इन ये जो पहले ये पहले बुद्धिस्ट डोमिनेटेड थे, इसमें पहले बुद्धिज्म के इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे शैविज्म इमेजेस भी शुरुआत हुई। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो त्रिमूर्ति है, जिसमें शिवा को दिखाया गया, दर्शाया गया है एज अ क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड अ डिस्ट्रॉयर। भाज केव्स और कार्ले केव्स है, इनको मौर्यन टाइम्स के टाइम में बनाया गया था, एंड ये बुद्धिस्ट सेंटर्स, हिनायना फेथ के बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। दे ऑल्सो कंटेन पेंटिंग ऑफ बुद्धा, और यहाँ पे बुद्धा की पेंटिंग्स भी हैं। तो यहाँ पे देखने की कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स जो करेक्ट है, इसीलिए आंसर है बहुत सारे करेक्ट, इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के बारे में देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। कुचिपुड़ी विलेज जो है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ये ओरिजिनेट हुई थी। 7th सेंचुरी में
इसको कंसीव किया गया था, किसने इस आइडिया को कंसीव किया था, बाय वैष्णवा पोएट। वैष्णवा पोएट थे सिद्धेंद्र योगी फ्रॉम यक्षगान। यक्षगान एक टाइप का डांस ड्रामा है, ये कहाँ पे होता है, ये कर्नाटका एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें टेक्निक्स यूज होती है सच एज डांसिंग ऑन द रिम ऑफ ब्रास प्लेट। ब्रास प्लेट के उसमें इनको वो जो जो भी डांस परफॉर्म करते हैं वो ब्रास प्लेट के ऊपर किया जाता है, विद अ पिचर फुल ऑफ वाटर ऑन द हेड। तो हेड पे वही पिचर रखते हैं जिसमें पानी भरा होता है, इसको तारंगम बोलते हैं। तो तारंगम डांस फॉर्म जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए हुए, आंसर है 1, 2 एंड 3। थंका पेंटिंग के बारे में देखने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर प्रेजेंटली बात करें तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है यहाँ पे थंका पेंटिंग ओरिजिनेट हुई थी। एंड ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म। थंका जो है इसको कॉटन कैनवास में बनाया जाता है विथ पेंट्स मेड फ्रॉम नेचुरल वेजिटेबल डाइज या मिनरल डाइज। तो जो नेचुरल डाइज होते हैं उनका कलर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दिए हुए, कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया था 1335 से 1565 AD तक, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स थे। उनकी कैपिटल थी हम्पी में कर्नाटका। चोला, होयसालास, पांड्यास, चालुकास के जो डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स थे उनको उन्होंने उन सारे फीचर्स को कंबाइन करके नया एक आर्किटेक्चर बनाया था। इन्होंने एक नया कंसेप्ट यूज़ किया था सेक्युलर बिल्डिंग्स को उन्होंने बनाना शुरू किया था इनसाइड द टेम्पल प्रेमाइसिस। रॉक कट आइडल जो है नरसिम्ह ऑन शेष नियर हम्पी, ये इसका एक बहुत बड़ा मार्वलस एग्जाम्पल है। तो इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए हुए, इसका आंसर है डी, नन। ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हरप्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज कास्टिंग का वाइड यूज़ होना शुरू हुआ था। ब्रॉन्ज स्टैचूज जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक या साय पर्ड्यू भी बोलते हैं इससे इस टेक्निक का यूज़ करके बनाया जाता था। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है, जो वैक्स होता है उसके बाहर से क्ले की कोटिंग की जाती है, उसके बाद उसको बेक किया जाता है। तो जो सुखाने के बाद जब वो सूख जाता है तो अंदर का जो वैक्स है फिर उसको गर्म करके अंदर के वैक्स को पिघलाया जाता है। तो वो वैक्स जब ख़त्म हो जाता है तो वो हॉलो एरिया में जो लिक्विड मेटल होता है उसको भरा जाता है और उसको फिर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह से वो उस टाइम में ब्रॉन्ज कास्टिंग करते थे और इसको टेक्निक को लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, या इसको डांसिंग गर्ल के नाम से ही फेमस है, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। इसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए आंसर है डी, डन। हरप्पन सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। टाउन्स जो थे वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे। जो रोड्स थी वो नॉर्थ से साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनी हुई थी एंड राइट एंगल में एक दूसरे को कट करती थी। सिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, अपरेस्ट सिटेडल था और लोअर पार्ट सिटी होती थी। अपरेस्ट पार्ट जो था वो मोस्टली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी जैसे ग्रीनरीज होती हैं इनके लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे कोई कोई रेजिडेंशियल पार्ट्स भी थे। तो माना जाता है कि वहाँ पे जो रेजिडेंसेस बाय दिखे गए हैं वो शायद हो सकता है कि रेस्ट प्लेटफॉर्म में रूलर्स या एरिस्टोक्रेट्स जो थे उस टाइम में उन सोसाइटी के उनके वहाँ पे घर हो सकते हैं। तो इस किस में देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दी हुई है, आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। छम डांस फॉर्म जो सिक्किम का है इसके बारे में देखने पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। छम एक टाइप का रिचुअल डांस है लामा कम्युनिटी का। इसमें कलरफुल मास्क का यूज़ किया जाता है एंड ये मोस्टली मॉनिट्रीज में परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इसमें डिफरेंट टाइप के चम्स होते हैं, जैसे सिंगी चम होता है ये माइथिकल लायन को डेडिकेटेड है, इसमें लायन का वो मास्क यूज़ करते हैं। और याक चम होता है, इसमें याक को डेडिकेट करते हैं, इसमें याक का वो मास्क यूज़ करते हैं। आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं गूगल में तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है।
तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट दी हुई है, आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। नाथद्वार पेंटिंग के बारे में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नाथद्वार पेंटिंग को ये वो पेंटिंग है जो नाथद्वार में ओरिजिनेट हुई थी राजस्थान में। नाथद्वार पार्टी नाथद्वार स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था उसका ही एक सबसेट है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस थी 17th to 18th century में। ये जो पेंटिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट सब स्टाइल्स है, जैसे पिचवाई पेंटिंग्स इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। पिचवाई पेंटिंग्स जो है वो क्लॉथ पेंटिंग है दैट इज हंग बिहाइंड द इमेज ऑफ हिंदू गॉड श्रीनाथ जी। तो जो श्रीनाथ जी हिंदू गॉड है उनकी इमेज के पीछे जो पेंटिंग यूज़ की जाती है वो पिछवाई पेंटिंग होती है। पिछवाई पेंटिंग में लॉर्ड कृष्ण के डिफरेंट मूड्स को इलास्ट्रेट किया जाता है। तो इसमें पूछा ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी करेक्ट नहीं पूछा, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इसमें ए सी डी ई जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बूंदी स्कूल का सबसेट नहीं है, ये मेवाड़ स्कूल का एक सबसेट है। तो इसमें जो ये मिस्टेक्स की कि जहाँ पे करेक्ट था वो इनकरेक्ट था, वो करेक्ट इनकरेक्ट का करेक्ट था, तो मोस्टली वही क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसे मैंने आपको इस वीडियो में करेक्ट तो कर दिया है, तो जो इसके PDF फाइल्स है उसमें भी मैं करेक्ट कर दूंगी कि ये जो जहाँ पे स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम है कि ये करेक्ट लिखा हुआ है और इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ये कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स है जो मैं क्वेश्चंस जहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस में ये मैंने देखा था वहाँ पे मैं करेक्ट कर दूंगी। एंड अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, डाउट कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।